रानू मंडल आज एक ऐसी शख्सियत बन चुकी हैं जो किसी पहचान की मोहताज नहीं। सोशल मीडिया स्टार बन चुकी रानू मंडल को आज कौन नहीं जानता। वैसे आपको बता दें कि रानू मंडल पहले स्टेशन पर गाना गाया करती थी और अपना गुजारा किया करती थी, जिनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। देखते ही देखते यह वीडियो इतना वायरल हुआ कि उस पर बड़े सेलिब्रिटीज की नजर पड़ी, जिसके बाद हिमेश रेशमिया ने उन्हें अपनी फिल्म हैप्पी हर्डी और हीर में गाने का मौका दिया। जब रानू मंडल ने हैप्पी हर्डी और हीर में सॉन्ग को गाया तो उनका यह गाना देखते ही देखते वायरल हो गया और इतना वायरल हुआ कि लोग उनकी सराहना करने लगे। उसके बाद न जाने कितने सेलिब्रिटीज ने रानू मंडल को ऑफर दिए गाना गाने के। अब राखी सावंत ने भी ऑफर किया है रानू मंडल को उनके सॉन्ग छप्पन छुरी का रिमिक्स गाने के लिए। राखी सावंत ने कहा कि वो रानू मंडल की बहुत रिस्पेक्ट करती हैं और वो चाहती हैं कि रानू मंडल उनके सॉन्ग छप्पन छुरी का रिमिक्स गाएं। रानू जी आप वेट कीजिए और हम छप्पन छुरी का गाना आपसे गवाएंगे। आपसे गवाएंगे और छप्पन छुरी का रिमिक्स के लिए मैं वेट कर रही हूं। वैसे दोस्तों आपको बता दें कि अभी हाल ही में एक इंटरव्यू में लता मंगेशकर ने कहा कि अगर मेरे नाम और काम से किसी का भला होता है तो मैं अपने आप को गर्वान्वित महसूस करती हूँ। परंतु साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि किसी के सॉन्ग को कॉपी कर लंबे समय तक सफलता हासिल नहीं की जा सकती है। खैर, लता मंगेशकर के द्वारा दिया गया यह बयान सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा और लोग इसकी आलोचना भी करने लगे। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि किसी की कॉपी करके लंबे समय तक सफलता नहीं हासिल की जा सकती है, यह बात सत्य है। लेकिन इस बात को भी नहीं झुठलाया जा सकता है कि रानू मंडल की आवाज में कुछ जादू तो है। अगर आपको भी लगता है कि रानू मंडल की आवाज में कुछ जादू है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। One, 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 one,